नमस्कार, झुमर की पुकार में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां पुलिस व सर्विलेंस के संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चुरेटे फाटक के पास नरेंद्र की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस व सर्वेलेंस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चुनेटी फाटक के पास नरेंद्र की हत्या का प्रयास करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस व सर्वेलेंस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चुनेटी फाटक के पास नरेंद्र की हत्या का प्रयास करने वाले दो अभियुक्त काका उप सूरजमल को और विशाल को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा के द्वारा 21,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। जी हाँ, परसों शाम को हलालपुर गांव में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र है, उसमें एक चम्मच की फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाला नरेंद्र सैनी, इसको गोली मार के इसकी जान से मारने की नीयत से इस पर फायर किया गया था। इसमें फायर करने वाले दो लोग थे, ये मोटरसाइकिल से फैक्ट्री के बाहर आए थे और इस पर हमला किया था। इस पे जब हमने आगे बढ़े, हमने सीसीटीवी कैमरा देखा, हमने सर्विलेंस की मदद से, और जब मजरूब से पूछताछ की तो पता चला कि एक नंबर से उसके पास फ़ोन आते थे 15 दिन से, जिसमें वो लड़की बन के बात करता था दूसरी साइड में, और उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता था। उसी नंबरों पे काम करते करते एक खुलासा इसमें ये हुआ है कि नरेंद्र जो मजरूब है, उसकी पत्नी के साथ संबंध था सूरजमल का। ये सूरजमल थाना रामपुर का रहने वाला है और ये इसी की रिश्तेदारी में लगता है, इसकी पत्नी की। इसी ने पूरा मास्टरमाइंड निकला, इसी ने पूरा प्लान बनाया था। इसी के मित्र हैं दो, कौसर और विशाल, इन दोनों के से बात करी और दोनों को पूरा प्लान बताकर इस पे गोली करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, गोली मारने के लिए। सर, पैसे से या यारी दोस्ती में? ये अभी तक पूछताछ में ही निकला है कि यारी दोस्ती में किया गया है, पैसे का अभी तक कोई एंगल सामने नहीं आया है। जैसे मैंने आपको बताया, जो सूरजमल है उसको नरेंद्र मजरूब की जो पत्नी है उसका संबंध था, उसको रास्ते से हटाने के लिए अवैध संबंध। जी हाँ, अभी तक पूछताछ की गई है, ऐसा इस तरह की कोई अभी शंका नहीं है कि पत्नी का भी उसमें रोल हो। पहले कोई मुकदमा, कोई मामला उनके खिलाफ? पहले दो बार पता चला, जब मजरूब से बात की गई थी तो पहली दो बार भी इस पे जानलेवा हमला हो चुके हैं। 3-4 महीने पहले करवा चौथ के टाइम पे हुए, उससे पहले भी हुए हैं। उस टाइम इसने रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब सूरजमल ने बताया है कि उसने ही वो हमले करवाए थे। टीम को इनाम दिया गया? जी हाँ, एसएसपी सर द्वारा इसमें गिरफ्तारी करने वाली टीम को 21,000 रुपये नकद इनाम दिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।